सभी पवन कुमार मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट इटवा रोशनगंज का फाइनल मैच जो रोहतास वर्सेस पकरी गुड़िया के बीच में गुड़िया के बीच में जो खेला गया, जिसमें हम सभी देखे कि काफी रोमांचक ये फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें रोहतास की टीम ने मैच को जीत लिया है, अपने नाम कर लिया और लगातार मुख्य अतिथि के रूप में इस फाइनल के मुकाबले के लिए कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव जी बिहार विधान परिषद के उत्साह नजर आ रहा है। दर्शक आज इस मुकाबले को देखने के लिए आए और इस मुकाबले को लुत्फ उठाए। आगे जवाब निकाल दो। ए अंदर घुस के आज थोड़ा कुछ बता। दर्शकों का आपको बहुत चाहता है कि आप इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं, यानी सब दर्शक विश्वास है कि आप लोग मेहनती हैं तभी तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं? इस तरह से आप आवाज कैप्चर कर रहा हूँ। आपका टीम किस तरह से मेहनत किया कि आप यहाँ तक इतने मंजिल तक पहुँच पाए? अच्छा क्रिकेट खेले, अच्छा दर्शकों का विश्वास है कि आप फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो फाइनल जीत के हासिल कर लेंगे क्या? इन पे क्या कहना? अच्छा आप लोग जो अगला टीम है कितना रन का लक्ष्य दिए हैं? 199 बनाया है, 200 बनाना है। जीत के लिए 200 आपको बनाना होगा। आप लोग कितना विकेट गिराए हैं अभी? सात विकेट इन लोग को गिरे हैं बाकी टीम का, तो इन लोग परफॉर्मेंस करेंगे। हम वाइस कैप्टन है भैया, तो थोड़ा दर्शकों के आप क्या कहना चाहते हैं? आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपका टीम करती है। कुछ नहीं, पर सर लगता है अच्छा ही खेला, पर रन कम हो गया हमारा, रन और बनता वही है कि थोड़ा क्या कीजिएगा, जितना रन मिला इसमें जीतेगा। लेकिन फिर भी अगर इसमें कोशिश किया जाए तो आप विनर बन सकते हैं। लेकिन आप जब तक नहीं चाहिएगा आप हार जाइएगा, तो आपको हराने वाला पहला नहीं। आप जाइएगा हार जाएंगे तो आप हार ही जाइएगा, आप जाइएगा जीतने के लिए तो जीत ही जाइएगा। हम लोग जीतने के लिए खेलते हैं, जीतेगा आप बिल्कुल, आप लोग जीतेगा। आप लोग का ये इतना मेहनती देखते हैं, आप लोग का इतना अच्छा थोड़ा ओपनर बैट्समैन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। इनको हर दर्शक एकदम इतना गड़गड़ाहट आवाज आ रही थी इनको बैट्समैन को देख के, तो भाई आप थोड़ा दर्शक नजर आ रहा है और इस फाइनल मुकाबले में इस समिति को काफी सुलभ रूप में हमारे बीच काफी विश्वास भी है कि अगला बार सर्वप्रथम है जिसे हर हाल में आपको मैच को जीतना है, एकदम इतना तो चलिए मैं मिलाते संतोष कुमार इटवा 1000 राजा राम पिछला कौन सा टीम आप लोग का है? पाकरी टीम से भैया खेल रहे हैं। अच्छा आप लोग ये दर्शक बताइए कितना रन का लक्ष्य दिए अगला पाकरी इतना कितना बता दीजिए?
महेंद्र कुमार दीवाना रोशन रेंज कोच 1100 वो नहीं कुछ नहीं आप लोग कितना रन बनाए अगला के जितना कितना अगला 199 रन एलक पकड़ी टीम का रन बनाए हैं तो अगला जो अरबन टीम है उनका 200 रन बनाने होंगे अपना जीत हासिल करने के लिए। तो चलिए मैं उन लोगों से भी बात आपको कराता हूँ कि उन लोग किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे कि इस मैच को विनर बन पाएंगे। 5000 संदीप कुमार मुखिया जी अच्छा आपको इतना अच्छे बल्लेबाजी देखा है कि दर्शक जो कि इतना खुश होता है आपको बैट गेंदा को मार दिया है ये बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं करता है। अच्छा आप कितना रन का लक्ष्य दिए हैं शंभू कुमार 200 का लक्ष्य है कोशिश करेंगे अच्छा करने की ये 199 रन बना चुके हैं और अगला जो है अरवल जिला के तो उनको देखते हैं कि किस तरह से परफॉर्मेंस करेंगे अगर अच्छी परफॉर्मेंस किए तो जीत सकते हैं रोहतास के अगर अच्छी परफॉर्मेंस इनसे अगर बेटर करेंगे तभी अच्छा और तो देखते हैं हम लोग के पूरा इस वीडियो पर लगातार बने रहिए मैं आपको पूरा जीत तक मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा दर्शक से मिलाता हूँ कि कैसा जो पकड़ी टीम थे किस तरह से बैटबाजी कर रहे थे जयेश कोचिंग के प्रिंसिपल अभिषेक शर्मा की तरफ से भी 500 रुपए आपको देने के लिए बताया गया बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अब तमाम दर्शकों से चाहूंगा जितना जल्द हो सके ग्राउंड को खाली कर दूसरी टीम की शुरुआत होगी चाहे हम उनसे बल्लेबाजी करते हुए जीत की उम्मीद से आप लोग मैंने इतना कॉन्फिडेंस है कि पकड़ी टीम जीत हासिल कर स्कोर मिला है इस मुकाबले से कुछ कहा नहीं जा सकता उनका चाहिए ग्राउंड की अच्छी टीम आज इस मुकाबले में बढ़िया ले रही बहुत अच्छा चलिए बताया जा रहा है और आज के किस रणनीति के साथ गेंदबाजी अच्छे प्रचंड करवाते हैं होनहार टीम के कप्तान चंद्र ये तो देखने वाली बात होगी। दर्शकों को समझ चाहूंगा कि ग्राउंड को छोड़ दें देखिए जो अच्छा खेलेगी वो मैच जीतेगी अब एक टीम 199 का लक्ष्य दिए अगेंस्ट टीम जो जैसा खेलेगा वो जीतेगी ही जो जैसा बॉलिंग होगा उसी आधार से बैटिंग भी होगा और मैच किस मोड़ पे जाएगा आने वाला और जल्द से जल्द चंद्रचंद को तैयार रखें और सलामी बल्लेबाज को तैयार रखेंगे करेंगे तभी वो मंजिल तक हाथ क्योंकि समय तो आपको परेडा देख रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कौन सा टीम तीन बज चुकी है विनर बन सकता है और मैं चाहूंगा आज के दोनों मैदानी अंपायर मिस्टर मंजीत शर्मा और मिस्टर चंदन कुमार इस मैच को शुरू करवाएं। काफी बड़ा टूर्नामेंट इस ग्राउंड पर खेला जाता है ये 10वां संस्करण चलता हुआ आज जो सबसे इनामों को बौछार पे रखे हैं अपूर्णा मेडिकल केयर से जो प्रत्येक छक्के और चौके पे प्राइज रखा गया है वो सर्वश्रेष्ठ है आज इस मैच के लिए क्योंकि प्रत्येक छक्के पे 100 रुपया और प्रत्येक चौके पे 50 रुपया अपूर्णा मेडिकल केयर से ये इनाम रखा गया है और असलम खान के द्वारा तो देखिए अगला चौके पे 200 रुपया रखा गया है चैनल पे बने रहिए जो आज सब्सक्राइब करिए ग्राउंड वर्गन हैटिक जमा का सर्वोदय अपील करना चाहूंगा शांतिपूर्वक हमें शांति बना रखे और ताश की टीम ने फिर से लगाते अपने बगैर डिपेंडिंग चैंपियन Hey!
हम सभी देखे कि काफी रोमांचक ये फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें रोहतास की टीम ने मैच को जीत लिया है, अपने नाम कर लिया और लगातार दूसरी बार इस शहीद पवन कुमार मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच अपने नाम किए हैं। और इस ऐतिहासिक मैच में जो हम लोगों के बीच में और इस मैच की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग के बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव जी MLC हम लोग के बीच में आए हैं। हम इन सभी दर्शकों से चाहेंगे कि एक जोरदार ताली के द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाए। और साथ ही हमारे बीच एक और मुख्य स्थिति अतिथि आने वाले हैं जो कुछ ही क्षणों में हम लोग के बीच मौजूद होंगे, बिहार सरकार के SST कल्याण मंत्री आदरणीय संतोष कुमार सिंह सुमन जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने मंत्री के आने के इंतजार में थोड़ा और सम्मान में थोड़ा समय दें। इस बीच हम लोग के बीच उपस्थित हैं हमारे प्रखंड बाखे बाजार के आदरणीय प्रमुख श्रीमती उर्मिला देवी जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अपने क्रिकेट प्रेमियों और इस टूर्नामेंट के सभी सदस्यों के द्वारा करता हूं। और हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अनुराधा कुमारी मुखिया सा इस टूर्नामेंट का अध्यक्ष भी है और रौशनी पंचायत के मुखिया भी है। उनके भी मैं अपने सभी कमेटी और दर्शकों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती अविता कुमारी पूर्व प्रमुख सह पंचायत समिति रौशनगंज और इस टूर्नामेंट